एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सिरोही में आज मैं बना रही हूँ सेकंड ब्लॉग। फर्स्ट ब्लॉग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आई होप आपने देख लिया होगा। तो आज मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में सोचा कि मैं आइसक्रीम बना दूँ। वैसे आइसक्रीम नहीं, इसे कुल्फी कहना बेस्ट रहेगा, इसका टेस्ट बिल्कुल कुल्फी जैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसे मैं रड़ा रही ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर 1 लीटर का मैंने आधा लीटर कर दिया है और इसमें ऑलरेडी मैंने 8 टेबल स्पून चीनी मिक्स कर दी थी और मैंने इसमें से थोड़ा सा दूध अलग रख दिया था ताकि मैं उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दूं, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो उसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस दूध में 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमने दूध गैस पर रखा है उसमें धीरे धीरे इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इस दूध को धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे, और अगर वैसे लम्प्स रह भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस आइसक्रीम को या कुल्फ़ी को हम सेट करने के बाद फिर से इसे बीट करेंगे और फिर हम फ्लेवर ऐड करेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद में हमें दूध को और ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी थिक हो जाएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 बार लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। तो जो छोटा स्पून होता है उसी से मैं 3 टेबल स्पून मलाई लूँगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है गैस तो आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध वैसे ठंडा हो चुका था, ये जो पेस्ट है आइसक्रीम का ये ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पर मैं मलाई ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर हम इसे कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में 5-6 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए आप रख दीजिए। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तभी हम इसको बीट करेंगे। और जब भी हम कंटेनर को फ्रीज़र में रखें उससे पहले हम उसे प्लास्टिक से कवर करेंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल ना रहे। तो चलिए इसे कंटेनर में खाली करते हैं और फ्रीज़र में रखते हैं। अब इसे फ्रीज़र में रख देते हैं और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आधा घंटा चप्पल में एक होगा, इसके लिए रुकना। देखिए वहाँ काम चल रहा है। घर के एकदम पास में ये मंदिर है और ये है मन कामेश्वर मंदिर। तो अभी थोड़ी सी भीड़ लग रही है, तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाती है तब हम मंदिर के अंदर जाकर पूजा करेंगे और आज पूरा मंदिर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा।
मैंने तो पूजा अच्छे से कर ली है। यहाँ पर मम्मी आरती कर रहे हैं और ये है पंडित जी जो यहाँ पे मंदिर में पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पूजा कर ली है। अब हम बाहर जो कल्प वृक्ष है उसकी पूजा करेंगे, वहाँ पर दिया करेंगे और फिर घर जाएंगे, क्योंकि घर जाकर भी हमको ग्यारस की कथा करनी है और उसके बाद लंच की तैयारी। सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के नीचे ही ये मंदिर बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ा पेड़ है, बर पीपल का, और ये बार चौक है थोड़ा सा और छोटा ही मंदिर है बट अच्छा है। और ये देखिए मंदिर का बाहर का व्यू, तो मंदिर बाहर से यूँ लगता है, छोटा सा गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर दिया कर लेते हैं, ये है कल्पवृक्ष, बस फिर चलते हैं घर। तो घर में अंदर जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज़ कर देते हैं। तो सैनिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी चीज़ों को हाथ लगाया था। चलो अंदर चलो। तो मम्मी अब यहाँ पर ग्यारस की कथा सुना रहे हैं। ग्यारस की कथा करने के बाद में हम जाएंगे किचन में, तो वहाँ पे करेंगे लंच की तैयारी और साथ में जो आइसक्रीम हमने सुबह रखी थी वो जम चुकी होगी, सेट हो चुकी है, तो उसे फेटेंगे। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उसका पूरा दिन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हम मंदिर से आए हैं, तो पूजा वूजा कर ली है, सारी पूजा हो गई है और आज 11 है, तो आज है फास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिन की। तो दिन तो स्टार्ट कब से हो गया है, 11 और चलते हैं किचन में। तो वीडियो तो मैंने कब से स्टार्ट किया, पर वेलकम, आपका बहुत लेट कर रही हूँ, तो डोंट माइंड। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है, तो पापा जी जब आएंगे तो दासा पापा जी लंच कर लेंगे। 12-12:30 बजे तक वो लंच कर लेते हैं, उनके बाद हम भी खा लेते हैं, मतलब 12:30 बजे तक सब हो जाता है। लेकिन आज सिर्फ व्रत है, तो मम्मी ने लौकी का जूस बनाया है तो वो पियेंगे और उसके बाद आइसक्रीम वाला काम करेंगे। केला खा ले। ये लौकी का जूस है जो बॉइल करके बनाया, बहुत ही बहुत तो रियली टेस्टी है। चलिए तो फिर से किचन में चलते हैं और अब फटाफट इस आइसक्रीम को भी फेंट देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो गई है, बहुत अच्छे से टाइट जब सेट हो उसी के बाद आपको फेंटना चाहिए। तो मैंने इसे भगोली में खाली कर दिया है और अब मैं इलेक्ट्रॉनिक बीटर से इसे बीट करूंगी। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक बीटर से फटाफट हो जाता है। तो हमें 10-15 मिनट इसे अच्छे से फेंटना है, क्योंकि ये जो आइसक्रीम है वो गुलफिट स्टाइल में बनाई, मतलब अगर मैं इसमें और भी पाउडर ऐड करती तो ये जितनी आइसक्रीम है उससे डबल हो जाती। तो CMC और GMC जो पाउडर होती है वो अगर हम आइसक्रीम में ऐड करते हैं तो उसका जो मेथड है वो अलग है, वो मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँगी। अभी गुल्फी वाला ये भी बहुत टेस्टी होती है, तो मैंने इसे अच्छे से फेंट दिया है। फेंटने पर देखिए कलर चेंज हो गया है, तो बैटर एकदम रेडी हो गया है। तो अब इसे हम कंटेनर में खाली करेंगे। आपको जिस फ्लेवर की आइसक्रीम बनानी है, गुल्फी बनानी है, तो यहाँ पे मैं 2 कंटेनर में खाली कर दूंगी और 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बनाऊंगी। तो एक फ्लेवर में बनाने वाली बटर स्कॉच और सेकंड जो है वो गुल्फी वाला इलायची गुल्फी टेस्टी रखूंगी, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के। तो यहाँ पर मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ और एसेंस इसी में है, ज़्यादा वैसे एसेंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम क्रंच यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा येलो कलर लीजिए, उसे इसमें मिक्स कीजिए और अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरी जो आइसक्रीम है वो बटर स्कॉच का कलर आ जाए। बटर स्कॉच आइसक्रीम आपने ऑफकोर्स खाई होगी, उसका कलर बिल्कुल येलो होता है। अब मैं यहाँ पर क्रंच डाल रही हूँ। बटर स्कॉच क्रंच कैसे बनाए हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो ऊपर से हम थोड़े से और काजू डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम ऊपर से क्रंच से इसे डेकोरेट करेंगे और फिर इसे कवर करके प्लास्टिक से हम इसे फ्रीजर में जमा देंगे। अब बनाएंगे हम सेकंड फ्लेवर, इलायची ड्राई फ्रूट्स गुल्फी। अगर आपके पास गुल्फी मोल्ड है तो इसे उसमें सेट कीजिए, बहुत ही यम्मी लगेगी। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर
और काजू, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे हम प्लास्टिक से कवर कर देंगे। ऊपर से आप इलायची और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। आप इसे एल्यूमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं, बस इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे इसीलिए इसे हमें कवर करना है। क्योंकि कई बार आइसक्रीम में बर्फ़ आते हैं जब हम खाते हैं, तो ऐसा करने से आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देते हैं और 8-9 घंटे में ये रेडी हो जाएगी। तो जब ये सेट हो जाएगी तब मैं आपको फिर बताऊँगी।